नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड हैक्स में और आपके साथ मैं हूं अर्चना मिश्रा। दोस्तों, यदि आपने फेमस टीवी सीरीज ब्लैक मिरर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे एक महिला अपने डेड लवर से बात करती है, वो लवर जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। ये तो थी टीवी सीरीज की बात, मगर सवाल ये है कि क्या असल जिंदगी में भी गुजरे हुए लोगों से बात कर पाना पॉसिबल है? और जवाब है जी हाँ। तो आखिर क्या है ये पूरा माजरा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। कहते हैं जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, मगर टेक्नोलॉजी ने शायद इस वाक्य को गलत साबित कर दिखाया है। जी हाँ, जिंदगी के बाद भी दुनिया छोड़ चले अपनों से अब बात करना मुमकिन हो पाएगा। जी हाँ, दरअसल सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ये सच कर दिखाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा चैटबॉट बनाया है जो हमें उन लोगों से भी बात का एहसास करा सकता है जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं। पिछले महीने ही माइक्रोसॉफ्ट ने इस चैटबॉट का पेटेंट भी करा लिया है। तो अब दिवंगत अपनों से बात करना हो, किशोर कुमार जैसे मशहूर महरूम गायक से संगीत पर चर्चा करना हो, या फिर आइंस्टीन जैसे महान विद्वान से सलाह लेना हो, इस चैटबॉट से अब सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। अब बात करते हैं आखिर कैसे काम करेगा ये चैटबॉट। दरअसल जिस दिवंगत व्यक्ति से हम बात करना या सलाह लेना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ सारा सोशल डाटा, जैसे उसके फोटोज, सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेजेस, वॉइस डाटा या उसके लिखे हुए लेटर्स के माध्यम से ये चैटबॉट उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर लेगा और हमारे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब उसी अंदाज में देगा जैसे कि वह गुजर चुका व्यक्ति दिया करता था। इससे हमें यही महसूस होगा मानो हम उसी व्यक्ति से सचमुच बात कर रहे हैं। इसके अलावा चैटबॉट में कुछ टूल्स के उपयोग कर दिवंगत व्यक्तियों के 2D और 3D इमेज के साथ फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम का भी इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा, जिससे ऐसा महसूस होगा जैसे हम अपने उस करीबी व्यक्ति से सीधा रूबरू होकर बात कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कब आएगी ये तकनीक। माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के जनरल मैनेजर टिम ओब्रायन के मुताबिक फिलहाल वे इस टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे हैं, पर जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकेगी। अप्रैल 2017 में कंपनी ने पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के पास 90,000 से ज्यादा पेटेंट हैं। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।